मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की बड़ियां, जो कि दो टाइप की बनाऊंगी मैं। एक बनाएंगे स्टीम वाली और एक धूप में ड्राई करके बनाएंगे। एक मेरी अम्मी की रेसिपी है, एक मेरे हस्बैंड की दादी की रेसिपी है, मैंने उनसे सीखा था। बहुत मजे की बनने वाली है, यूनिक रेसिपी है, तो चले जल्दी से बनाते हैं। अब हम बनाते हैं मूंग की दाल की बड़िया। मैंने ये वाले 2 कप लिए थे, नॉर्मल साइज के 2 कप मूंग की दाल लेके मैंने उसको वॉश किया और सोक कर लिया। ये बहुत अच्छी तरीके से सोक हो चुकी है, 3 आवर्स हो चुके हैं ये। अब मैं इसका सारा पानी रिमूव कर दूंगी और इसको ग्राइंड कर लूंगी विदाउट वाटर, बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और इसको फिर हम कर लेते हैं दरदरा सा, थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। ये देखिए सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है, अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। दाल को हमने बिल्कुल बगैर पानी के इस तरीके से पीस लिया है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी मोटी सी रहेगी। इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। मैंने तो ग्राइंड किया है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, जब वो बनाती थी तो वो सिल पे ही पीसती थी। तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है पिसी हुई लाल मिर्च। और ये है साबुत धनिया, साबुत धनिया ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा कूट कर, पिसा हुआ इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसकी अलग ही खुशबू होती है, एक अच्छी सी स्मेल होती है। ये मैंने 1 टेबलस्पून यूज किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ जीरा यूज कर रही हूँ। बस सिर्फ ये चीजें जाएंगी इसमें, इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ले ली है, ये इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, सिर्फ यही इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, फिर हम इसको बनाते हैं। स्टील की थाली ले ली है, ये इस तरीके से सबको कर लिया है मिक्स इन चीजों को। अब इस तरह हाथ से हम बनाते जाएंगे, कोई इसकी शेप नहीं देनी, बस इस तरीके से ही करना है और इसको यूं रखते जाना है थोड़े थोड़े से गैप से इस तरह से, और फिर हम इसको रख देंगे धूप में। ये देखें, ये देखें, ये मैंने बढ़िया इसमें रख दी हैं। इसको हम रखेंगे धूप में शाम तक ड्राई होने के लिए। अगर फिर भी ये सही से ड्राई ना हो तो 1 दिन के लिए हम और रखेंगे। और ये जो मिक्सचर बना है इसका हम बनाएंगे भाप बड़ी। ये बनाते हैं, देखें ये अलग तरीके से बनेंगे। सुबह के 11 बज रहे हैं, धूप बहुत अच्छी सी आ गई है, मैंने इसको रख दिया है धूप में, शाम तक रखते हैं और फिर देखते हैं कब तक ये रेडी होती हैं, कब तक ड्राई होती हैं, तो फिर हम इसको स्टोर करेंगे। चले अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये कहलाती है भाप बड़ी। तो ये मेरे हस्बैंड की जो दादी थी उन्होंने मुझे सिखाया था। हमने पहले कर लिया बॉयल पानी को सिंपल, फिर इसको कर देंगे मीडियम फ्लेम कर देंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे। और जब हमने बॉयल कर लिया तो कोई भी छन्नी या कोई स्ट्रेनर हमने लेना है, वो इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है। चले अब ये है सेकेंड तरीका, फ्लेम हमारा ऑन है, मीडियम लो है, यहाँ से भाप थोड़ी सी ऊपर ऊपर आ रही है। अब हम इसको स्पून से लेके इस तरीके से इस पे रखते जाएंगे किसी भी शेप में, थोड़े थोड़े गैप के साथ। ये जो थोड़ी सी उसमें से बच गई थी वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इस तरीके से। सारी बढ़िया हमने इसके ऊपर रख दी है, फ्लेम हमारा मीडियम लो है, पानी हो रहा है बॉइल। अब ये स्टीम से इसी तरह बनेंगी 10 मिनट तक, इसको बिल्कुल टच नहीं करना, फिर देखते हैं कि इसको क्या करना है। ये देखें स्टीम में ही बनी है, कितनी अच्छी सी ये रेडी होना शुरू हो गई है। इन सब की साइड मैंने कर दी है चेंज, थोड़ा सा ये और हो जाए 5 मिनट, फिर हम इसको हटाते हैं, डिश आउट करते हैं, फिर इसका सालन बनाएंगे। अब बड़ियों का सालन बनाने के लिए मैं ले लूंगी मसाले, जो कि बहुत सिंपल है। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, और थोड़े से मैंने ये फ्रेश लीव्स ले लिए हैं मेथी के, ये भी इसमें जाएंगे। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है बड़ियों और मेथी का। अब हमने जो बड़ियां बनानी है, इतनी बड़ियां बनानी है, इसके लिए मैंने 5 टेबलस्पून ले लिया है ऑयल। इसके अंदर एक प्याज मैंने ले ली थी मीडियम साइज की, उसको फाइनली चॉप कर लिया है, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज को कर लेना है गोल्डन ब्राउन, ज्यादा डार्क नहीं करना। और ये सारे जो मसाले थे और ये ऐड कर देना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया कि मसाला ना जले।
मिनट में इसको देखेंगे, मसाला थोड़ा सा भून जाए। ये ऑयल ऊपर आने लगा है, मसाला भून रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूंगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून योगर्ट ऐड करूंगी, इसलिए कि बढ़िया थोड़ी कम है तो 1 टेबल स्पून इनफ होगा। अब इसको करेंगे मिक्स और बढ़िया को ऐड करेंगे। जबरदस्त है इसके साथ मसाला दही सब अच्छी तरीके से हो गया है मिक्स। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये वाली बढ़िया जो हमने बनाई थी, जो हमने धूप में रखी है वो तो अभी रखी हुई है, और ये वाली तो हमारी रेडी हो चुकी है, टूट भी नहीं रही। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब पानी आप इतना ऐड करें जितना आपने ग्रेवी रखनी है, और एक दो बॉयल आने के बाद ये रेडी है कि मैं इसको डिश आउट करती हूँ।